अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आप भारतीय होने पर गर्व महसूस करोगे। उससे पहले आप ये सुनिए, क्या भारत को पाकिस्तान पर हमले का इशारा मिल गया है? क्या भारत को पीओके हासिल करने का भी इशारा मिल गया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हो गई है। भारत में हुई G20 बैठक में कुछ ऐसा हुआ था जिसका खुलासा अब हो रहा है। G20 बैठक में एक ऐसा नक्शा सामने आया है जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया। दुनिया के सबसे ताकतवर सम्मेलन में पीओके को खुले तौर पर भारत का बताना यह साबित करता है कि भारत सरकार को इशारा मिल चुका है। यह इशारा क्या है यह आप समझ सकते हैं, और अब तो दुनिया को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक नक्शा जारी करके ऐलान किया कि पीओके भारत का हिस्सा है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर है। संयुक्त अरब अमीरात के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनाई गई एक वीडियो में यह नक्शा दिखाया गया था। आप जानते ही हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में एक कॉरिडोर का ऐलान किया गया था। यह कॉरिडोर भारत से होकर इजराइल तक जाएगा। अब इसी कॉरिडोर की प्रमोशन वीडियो में एक नक्शा दिखाया गया जिसमें पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बता दिया गया। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे यह नक्शा देख करके आज चीन को भी नींद नहीं आएगी। आपको बता दें कि अभी तक कई मुस्लिम देश सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे थे, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात तो एक कदम आगे निकल गया। उसने तो नक्शे पर पीओके भारत को ही सौंप दिया। आप जानते ही हैं कि संयुक्त अरब अमीरात पहले से ही कश्मीर में निवेश कर रहा है। दुबई की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कश्मीर में एक बड़ा मॉल बना रही है। इसके अलावा कश्मीर में दुबई से ही कई और प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया जा रहा है। इसे जम्मू कश्मीर का पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बताया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि पीओके की जनता आज जब संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी किए गए इस नक्शे को देखेगी तो वह खुशी से फूली नहीं समाएगी। पाकिस्तान G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लगातार दुनिया से अपील करता रहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान का यह जहरीला एजेंडा फेल हो गया। मजे की बात तो देखिए कि G20 बैठक में ही संयुक्त अरब अमीरात ने पीओके को भारत का हिस्सा बता दिया। आपको बता दें कि भारत कूटनीतिक स्तर पर बहुत पहले ही इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। पीओके में कोई भी एक्शन लेने से पहले भारत को दुनिया का विश्वास जीतना होगा, और अब इसी कूटनीति में भारत को सफलता मिल रही है। पीओके अगर सिर्फ पाकिस्तान से लेना होता तो भारत कब का ले चुका होता, लेकिन पाकिस्तान ने षड्यंत्र के तहत पीओके में चीन को लाकर बैठा दिया। इसलिए अब भारत पीओके में घुसने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है।